अगर लड़की लोग अंदर गई तो बाहर नहीं है। बैक दरवाजा इतना बुलने की आप चार लोग जाकर धक्का मारे दो नीचे गिर जाए। ये टेंशन ट्रिपल आर मूवी, सूर्यवंशम मूवी, बोला मूवी। Sorry, Supervisor Amitha. पहली बार हमारे मूवी इंडस्ट्री में साउंड इफेक्ट को लाया गया था। भारत माता की जय हिंद। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम हैं हैदराबाद में। सो आपको पता चल ही गया होगा कि हम आज हैदराबाद में रामू जी फिल्म सिटी घूमने के लिए जा रहे हैं। सो हम पहुँच गए हैदराबाद रामू जी फिल्म सिटी। आप देख सकते हो रोड के ऑपोजिट रामू जी फिल्म सिटी की एंट्री है। सो फ्रेंड, ये रही रामू जी फिल्म सिटी की एंट्री और जहाँ से हम करेंगे एंटर। सो फ्रेंड, आप सामने देख सकते हो, सामने लिखा हुआ है रामू जी फिल्म सिटी और ये सामने रामू जी फिल्म सिटी की पार्किंग रही और इस साइड है टिकट काउंटर। इधर से हम लेंगे टिकट और जब तक हम टिकट लेते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। सो फ्रेंड, ये था सामने टिकट काउंटर जहाँ से हम लेंगे टिकट। सो फ्रेंड, हमें जो टिकट पड़ा वो 1600 रुपये का पड़ा और इंक्लूड जीएसटी वगैरह लगाकर। वैसे 1350 रुपये टिकट है तो इंक्लूड जीएसटी 1600 का आपको टिकट पड़ जाएगा। और सामने जहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट कर रहे हैं लोग। सो फ्रेंड, जहाँ से है एंट्री रामू जी फिल्म सिटी के लिए, जहाँ से हमें अपना टिकट चेक करवा के आगे निकलना है। देखो जहाँ पे लिखा हुआ है जिन्होंने ऑनलाइन टिकट किया है, जेंट्स लेडीज सबकी अलग अलग एंट्री है। तो सुबह मैं थोड़ा जल्दी निकला था तो पहले करते हैं खाना नाश्ता। तो फ्रेंड, अगर आप सवा जहाँ पर कुछ खाना चाहते हो तो खा सकते हो। तो जहाँ पे हमें वेज में खाली डोसा ही मिला तो डोसे का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। सो फ्रेंड, खाना खाने के बाद हमने यहाँ से की एंट्री। सो फ्रेंड, जहाँ से अगेन टिकट आपको चेक करवानी पड़ेगी। एंट्री लेने के बाद हम गए आगे और सामने यहाँ से आप कोई अगर कैप वगैरह, कोई टोपी वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो। सो फ्रेंड, सामने ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे तो जैसे सरकारी बस होती है वैसी बस है। मुझे तो लगा था कि जैसे ये मिनी रेड बस खड़ी है वैसी बसें हैं रामू जी फिल्म सिटी में, क्योंकि वीडियो में अक्सर हमने वैसा ही देखा है। सो फ्रेंड, देखते हैं, चलो बैड लक। सो हम जहाँ से बैठे रामू जी फिल्म सिटी बस में, ये सब कुछ टिकट में इंक्लूड रहता है। आपका अप डाउन, वो जहाँ पे पूरा घूमना है, जो भी आपने ट्रैवल करना है वो सारा आपकी टिकट में इंक्लूड रहेगा। सो फ्रेंड, आप देख सकते हो सामने वही चीज़, वो रामू जी फिल्म सिटी जो हमें दूर से दिख रहा था। तो जहाँ से मुझे पता चला कि 6-7 किलोमीटर आपको आगे जाना पड़ता है और बाय बस जी आपको 6-7 किलोमीटर लेके जाते हैं। और आप सामने देख सकते हो जहाँ पे एंट्री है रामू जी फिल्म सिटी की। हम कर गए हैं रामू जी फिल्म सिटी में एंटर। सो रामू जी फिल्म सिटी 1996 में बना है। इसके जो चेयरमैन है वो रामू जी राव है।
सो फ्रेंड चलते हैं आगे देखते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस किसने रामोजी फिल्म सिटी विज़िट किया है और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो फ्रेंड आप देख सकते हो सामने बहुत ही खूबसूरत पार्क है। अभी बहुत आगे जा रहे हैं। सो फ्रेंड हमें उतार दिया गया है यहाँ पे। सो आप लोकेशन देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है और हम पहुँच गए हैं प्रॉपर रामोजी फिल्म सिटी और जहाँ पे मिली हमें रेड बस आपको वहाँ से उन्हीं प्राइवेट बसों में लेके आया जाएगा और जहाँ पे घूमने के लिए अलग अलग लोकेशन पे जो रेड बस है ये हमें प्रोवाइड की जाती है। सो फ्रेंड जहाँ पे पहले हमें एक शो देखने के लिए बोला गया सो हम यहाँ पे शो देखने के लिए जाते हैं जो पहला शो है। सो हम आपको पूरा डिटेल में वीडियो दिखाएंगे, जो जो जहाँ पे हम देखेंगे वो वीडियो के ज़रिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है सो वीडियो के एंड तक बने रहना। सो फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं कुछ लाइव एक्शन वीडियो वगैरह होने वाली है यहाँ पे। सो देखते हैं ये रहा लाइव एक्शन का सेट। सो आप देख सकते हो काफ़ी स्कूल वाले बच्चे आए हुए हैं, काफ़ी रश है लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए। अभी 12:30 के तकरीबन हो चुका है, ये जो शो चलता है वो 12:30 बजे चलता है। तो फ्रेंड शो स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हो। इस शो की फुल वीडियो का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो फ्रेंड शो बहुत ही ज़बरदस्त था और बाद में जितने भी ये करेक्टर थे उन सभी ने हर किसी के साथ अपनी फ़ोटोज करवाई, सेल्फीज़ करवाई, जो बहुत अच्छा लगा। सो अभी हम चलते हैं आगे। सो फ्रेंड आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है जहाँ पे आपको आकर कैसी वेब आ रही है आप बताना, आपको कैसा फील हो रहा है कि ये कौन सी फॉरेन लोकेशन है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हो जहाँ पे बीना रखी हुई है। जहाँ पे देखो ये तो बाहुबली सेट का लग रहा है और बच्चे देखो कितनी क्यूट बेबी है जो फोटो करवा रही है जहाँ पे, कितने स्टाइल से फोटो करवा रही थी। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लोकेशन है लेकिन इनके पीछे कुछ नहीं है, ये खाली दीवारें खड़ी की गई है। इस साइड शायद में भी गेम जोन है, अगर आप कोई गेम वगैरह खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। सो हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हम नहीं खेले तो हम वापस चले। सो आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है। तो जहाँ पे रावण के बुत में आकर फोटो करवा रहे हैं आप देख सकते हो बिल्कुल जापान की बेवारी है जहाँ से, ऐसा लग रहा है कि हम जापान में हैं। सो फ्रेंड आगे चलते हैं। एक तो जहाँ पे अगर कुछ भी समझ नहीं आता है जिस साइड लोग जा रहे हैं बस उनके पीछे पीछे चलते रहो। इस साइड भी कोई शो लगने वाला है, देखते हैं क्या है अंदर इसके। सो फ्रेंड काफ़ी बड़ा हाल है जो पता चला है यहाँ से पूछने में कि जो रामोजी फिल्म सिटी बना हुआ है वो 2000 एकड़ में बना हुआ है। वैसे बोला जाता है मुंबई की फ़िल्म सिटी लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ी फिल्म सिटी है वो रामोजी फिल्म सिटी है हैदराबाद की और सबसे ज़्यादा जहाँ पे फिल्म शूट होती है। आप देख सकते हो सामने जहाँ पर कुछ नाच चल रहा है, डांस चल रहा है।
सो फ्रेंड बहुत ही ज़बरदस्त शो था, जैसे हम रियलिटी शो देखते हैं लाइव, वैसे एक रियलिटी शो था ये डांस का। सो फ्रेंड आगे चलते हैं, आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त लोकेशन है जहाँ पे, और अभी हम चलते हैं आगे। सो मैंने सोचा था कि यहाँ से हम रेड बस में बाहुबली सेट जाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला जहाँ पे काफ़ी और भी शो लगने वाले हैं पहले आप वो देख लो, इसके बाद आप जा सकते हो, आप कभी भी जा सकते हो। जहाँ से इस प्लेटफॉर्म नंबर से बसें वहाँ पे जाती रहती है बाहुबली सेट, सो बाहुबली सेट बाद में जाएंगे, पहले हमने ये देखना स्टार्ट किया। तो आपने ये सेट जो भी वेलकम मूवी में देखा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। यहाँ पे सामने कोई शो लगने वाला है, सो हम वो देखते हैं। लाइट कैमरा एक्शन कुछ ऐसा इस शो का नाम है, सो देखते हैं क्या होने वाला है। मैंने फर्स्ट टाइम विजिट किया है रामूजी फिल्म सिटी। इसका एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। सो फ्रेंड आप जो सामने सेट लगा हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ जी किस मूवी में आपने सेट देखा है, और बहुत ही खूबसूरत मूवी थी वो, बहुत ही हिट मूवी थी। सो फ्रेंड आप सामने देख सकते हो जहाँ पे एक सॉन्ग की शूटिंग चल रही है। आप देख सकते हो सामने फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे, और ये स्पेस यात्रा, देखते हैं स्पेस यात्रा का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सो जहाँ से हमने एंट्री लेनी है चलते हैं आगे। धीरे धीरे चलो भाई, धीरे धीरे चलो। ये सामने स्पेस यात्रा का मेन एंट्री, जहाँ पे बैठ के हमें स्पेस यात्रा करवाई जाएगी, देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा है। राइट पूर्ति का आदर्शा द्वार जब तक ना खुले और यहाँ राइट पूरी तरह ना रुके, आपसे निवेदन है कि अपने स्थान पर ही बैठे ना उठे। Coming in a little too close to the station. Look
interesting planet. Oops. Sorry, Supervisor Amitha. Well, I hope you enjoyed your space voyage. Bye-bye, everybody. सो फ्रेंड, स्पेस यात्रा का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। सो अगर आप शॉपिंग के स्कीन है तो यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। तो ये टेलीफोन रहा। सो फ्रेंड, जहाँ पे कुछ ऐसा दिखाया गया है कि मूवी कैसे बनती है, कैसे वो शूट होती है, कैसे उसमें साउंड इफेक्ट डाले जाते हैं, कैसे उसको प्रॉपर पहले एक बार जितने भी प्रोड्यूसर या फिल्म स्टार वगैरह होते हैं वो देखते हैं एक बार मूवी, बाद में उसको लॉन्च करते हैं। अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है तो वो वहीं पे उसको ठीक कर लेते हैं। फॉली स्टेज, अब इस स्टेज को फॉली कहते हैं। दिस इज नेम्ड आफ्टर अ वेरी वेरी फेमस साउंड आर्टिस्ट बाय द नेम जैक फॉली। बट फैन द फैक्ट दैट द वीडियो इज ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट सर्टेन साउंड इफेक्ट्स। हमेशा हमेशा एक वीडियो अधूरा लगता है अगर उसमें कोई साउंड इफेक्ट्स या म्यूजिक का इस्तेमाल हम नहीं करते। सो जस्ट अराउंड वी कैन सी अ कपल ऑफ वेरी बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स। मेरे आसपास आप कुछ घरेलू सामान देख सकते हैं और इसी की मदद से पहली बार हमारे मूवी इंडस्ट्री में साउंड इफेक्ट्स को लाया गया। The uses of such minimalistic things for the first time, sound effects was introduced in our industry. Let's go up. So I'm going to play a couple of sounds, and if you guess, ki wo kis kis cheez ki awaaz hai. Thunder, bijli, wind, hawa. Or Varsham. So what did we use? A simple sign, a simple white cloth and a metal sheet. And we thank you. It was just so fun. Thank you. It means a lot. Thank you to my stars, the sound artists especially. Thank you to all of you for being such an amazing audience and joining in this beautiful movie making show. Even procedural things in love. Enjoy the attraction. It's been a really good experience. Now let's go ahead. अभी हम पता नहीं कहाँ आ गए। अभी ये एक और जहाँ पे बोला कि जहाँ पे भी आप जाइए, तो जहाँ पे भी हम चले आए देखते जहाँ पे अलादीन वगैरह क्या है, एक गुफा में लेके जा रहे हैं यहाँ पे। सो जहाँ पे इस ट्रॉली में बैठे और आगे जा रहे हैं। खूबसूरत है भाई, काफी खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। आपको अगर इसकी फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये पता नहीं क्यों जो सब इसकी दाढ़ी पकड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसकी दाढ़ी पकड़ के खींच के ही फ़ोटो करवा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अगर आपको किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही खूबसूरत था वो। अगर उसकी प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे पास इसकी फुल वीडियो है। तो फ्रेंड अभी चलते हैं हम बाहुबली सेट, तो कोशिश करते हैं हमें फ्रंट सीट मिले तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए शूट कर पाएँ। तो अभी हम लेंगे रेड बस का एक्सपीरियंस। मुझे था कि ये शीशा लगा हुआ है इसके साइडों पे, लेकिन जो पूरे का पूरा ओपन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली ग्रिल लगा हुआ है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो जहाँ पे ये जितने भी झूले थे ये शाम को स्टार्ट होंगे। बाहर से दिल्ली मुगल गार्डन और अंदर से मैसूर वृंदावन गार्डन जैसे लगता है। It is used for wedding ceremony, hardy ceremony, and reunion parties.
फ्यूचर लेफ्ट साइड में देखिए, ऑन द लेफ्ट साइड अगेन सियारा गार्डन, फेमस फॉर ग्रुप सॉन्ग्स एंड रोमांटिक सॉन्ग्स। सो हैव यू ऑल वॉच्ड डर्टी पिक्चर मूवी? सब लोग डर्टी पिक्चर मूवी देखा है? डर्टी पिक्चर मूवी से उलाला होने शौक किया है, और सो जुलाई मूवी से ओ मधु ओ मधु दिस वन इज आल्सो शौक किया। वेनिला गार्डन अनाई नंबर वन का गाना मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुरुटा पार्टी, वो गाना इधर भी शौक किया गया है। अगेन फ्यूचर लेफ्ट में देखिए ब्लैक कलर स्टेज, इसे कहते हैं लाइमलाइट गार्डन, दिस इज कॉल्ड लाइमलाइट गार्डन, इट इज जस्ट फॉर कॉर्पोरेट इवेंट एंड अवार्ड फंक्शंस। दम परिंदे एंड आल्सो दिलवाले मूवी क्लाइमेक्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रामोजी फिल्म सिटी, रामोजी फिल्म सिटी का सबसे ऊंचा पॉइंट है, फ्रॉम देयर यू कैन एंजॉय 60-70% व्यू ऑफ यू रामोजी फिल्म सिटी। आया मूवी सॉन्ग ड्रीम एम वेलकम इन द मूवीज, इट कैन बी यूज्ड एज स्कूल और कॉलेज एंट्रेंसेस। अगेन फ्यूचर लेफ्ट साइड में देखिए व्हाइट ड्रम गार्डन, इसे कहते हैं करिश्मा गार्डन, दिस इज कॉल्ड करिश्मा गार्डन, इस गार्डन का एक फिगरेटिव इनसाइड द गार्डन नेचुरल फ्लावर, फॉर एग्जाम्पल रेड सारी रेड फ्लावर, येलो सारी येलो फ्लावर, एंड फॉर दैट द क्रिएटर नीड्स टू गिव प्रायर इन्फॉर्मेशन टू द संबंधित डिपार्टमेंट ऑफ रामोजी फिल्म सिटी 3 to 6 months पर कार्बन सेशन इक्विपमेंट डिपार्टमेंट, ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट्स फॉर शूटिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट। सो हैव यू ऑल वॉच क्रिश मूवी? आप सब लोग क्रिश मूवी देखा है? क्रिश बस गाने में देखिए, सामने देखिए जैक फाउंटेन, इट इज अ रिमूवेबल फाउंटेन किया गया, the jug was replaced by Krishna statue and the flashing was on that location and then it has been shown. Again aapko right side mein dekhiye, on your right side multi purpose building chandramukhi lagalaga bachunji haveli, you can see chandramukhi part 1 and 2, this location you can see chandramukhi 2 also. इसको व्हाइट कलर पेंट करते हैं तो गुरुद्वारा बन जाएगा, इफ व्हाइट कलर पेंट देन इट बिकम्स गुरुद्वारा। इफ लेफ्ट साइड ब्राउन कलर गेट बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सिकरी, ये बुलंद दरवाजा इतना बुलंद है कि आप चार लोग जाकर धक्का मारेगा नीचे गिर जाएगा। एंड दिस लोकेशन यू कैन सी ट्रिपल आर मूवी, सो ये वंशम मूवी, भोला मूवी एंड देन सिंगम रिटर्न्स मूवी, ट्रिपल आर मूवी वर्कशॉप से इधर पे शॉट किया गया है। These are the Norwegian shopping complexes. Again, face your left side. Dekhi, again, on your left side, you can see Taj Mahal. This one is a masjid. It has two elevations. This one is a masjid, and if white color paints, then it becomes Taj Mahal. And this location, you can see Singham. Dekhi, typical Bengali house. This location, to aap dekh sakte hain TS1, I mean Dabang movie. Dabang 3 fighting scene, idhar pe shot kiya gaya. And also Shyam Singh Narol movie, you can see this location. The flexible houses of Ramoji Film City. These are the flexible houses. First house, you can see Rebel movie. And then second house, Dilwale movie mein dekh sakte hain. Dilwale movie, Kajal Ji Khan. And last house, Jeho movie mein dekh sakte hain. Jeho movie, Salman Khan. And also you can see this last house in Chandramukhi 2 also. And it has two elevations. Agar ladki log andar gayi to bahar nahi hai. Thank you. May I go? No? क्योंकि अंदर से ब्यूटी पार्लर है, वेलकम टू साउथ इंडियन लोकेशन। नाउ देन इट कम्स इन योर राइट साइड, अपर राइट साइड में देखिए लोकेशन सिकम गोवा पुलिस स्टेशन, सर विलेज लोकेशन, अपर राइट साइड में देखिए विलेज पोस्ट ऑफिस, फिशर इज सरफान गैरेज, दिलवाले मूवी सरफान गैरेज। एंड अगेन लेफ्ट साइड सेकंड हाउस चंद्रमुखी डांस मास्टर जी हाउस, दिस वन मंदुबा हाउस ऑफ रानी मुखर्जी इन नायक मूवी, नायक मूवी मंदुबा हाउस ऑफ रानी मुखर्जी। पुष्पा टू सलार मूवी एंड देन सिंगम, सिंगम अगेन ये सारे मूवीज इधर पे शॉट किए गए हैं।
So have you looked the location as a bus parking in Drishyam Parvat? Drishyam Parvat bus parking. Again, so you said, these are the corporate offices of Ramoji Group. These are 100% original building. What do you think? Cream color buildings, headquarters of Ramoji Group and Inadu building. Kenshin version of Bahubali movie. In version, Katapa killed Bahubali, right? That's in one shot here. Bahubali movie version, Udaipi Shantya again. So ladies and gentlemen, welcome to Central Jail without any crimes. Don't worry, I'm going to give you Bahubali in a few seconds. Operation may take you on your right side. These are the interrogation scene, final judgment scene, and hanging scenes. During shooting time, all the statues are replaced by the real artists. Okay, then we're on your right side. Operation may take you. Have you all watched Kerala movie? Right here on your left side again, आपके left side में देखिए Drishyam Police Station. Tripala movie, Gabbar Singh movie, Nene Raju, Nene Mantri और upcoming Prabhas movie Salaam, ये सारे movie इधर पे shot किया गया है. And also you can see recent movie Jailer. Jailer movie was also shot किया. Several, how is the Jailer experience? जब आपके left side में देखिए Railway Station. Jailer experience from Lumi Dance. हमारे इधर पे shot किया गया है. सो फ्रेंड अभी उतार दिया हमें महाभारत के सेट पे, जहाँ पे लगा हुआ है महाभारत का सेट, जो हम वाइट टीवी में देखते होते थे महाभारत का, उसी का यहाँ पे सेट लगा हुआ है. आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत वेव आ रही है यहाँ से. लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, ऊपर से पूरा ओपन है, खाली है पूरे का पूरा. आप देख सकते हो जब हम टीवी में देखते थे तो कितना खूबसूरत दिखता था, लेकिन ये वैसे भी खूबसूरत दिखता है लेकिन ऊपर से खाली है. लेकिन नीचे आप देख सकते हो क्या खूबसूरत तरीके से सेट बना हुआ है. ये खाली सेट बोल सकते हैं हम इसको, काफ़ी बड़ा हाल है जिसमें जो पूरे का पूरा महाभारत का सेट लगा हुआ है. आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है. आप एक बार टाइम निकाल के रामू जी फिल्म सिटी को ज़रूर विज़िट कीजिए. और ये सामने रहा रेलवे स्टेशन, जिसको बहुत सारी फिल्मों में अलग अलग शहरों का रेलवे स्टेशन बना दिया जाता है. सो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. सो फ्रेंड अभी इसके बाद हम जाएंगे बाहुबली सेट. सो फ्रेंड जो बाहुबली सेट की वीडियो है वो आपको आगे मिल जाएगी, एक दो दिन में उसकी भी वीडियो मैं चैनल पर डाल देता हूँ. वो वीडियो आप मिस ना कर सकें, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए. और अगर हमारा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना. मिलते हैं आगे बाहुबली सेट पे, तब तक के लिए खुश रहो, जय भारत.